हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके साथ टिफ़िन की रेसिपी शेयर कर रही हूं। तो सुबह सुबह मैंने सोचा चलिए आपके साथ मैं टिफ़िन में बच्चों को क्या देती हूं वो आपसे शेयर करूं। तो यहां पे देखिए मैंने बासमती राइस लिया है, तो लगभग एक कप मैंने ले लिया है, एक कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। इसे अच्छे से हम वॉश कर देते हैं क्योंकि ये वॉश करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो चावल में केमिकल्स होते हैं ना, उनको प्रिजर्व करने के लिए एक पाउडर डाला जाता है, तो उसे हमें बाहर निकालना बहुत ज़रूरी। देखिए थोड़ा सा पानी डाल के इसे हमने रेस्ट देना है। उतनी देर में मैं सब्जियां थोड़ा सा काट कर तैयार कर लूँ, तो ज़्यादा देर रेस्ट आपको नहीं देना, मात्र 5 से 10 मिनट। तो देखिए तब तक मैं यहाँ पे प्याज है वो भी काट लूँगी, गाजर है, फूल गोभी है, और यहाँ पर बीन्स है, या आपके यहाँ जो भी बोला जाता है बरबट्टी या बोरो, तो हमारे यहाँ इस तरह से बोला जाता है। और साथ में मैंने यहाँ पे दूध फट गया था, तो यहाँ पे पनीर निकाल लिया है क्योंकि बच्चों को पनीर बहुत ही पसंद है, तो उन्हें किसी भी रूप में दे दिया जाए तो पनीर अच्छे से खा लेते हैं इंजॉय करके। तो देखिए इसे मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, फटाफट ये रेसिपी बन कर तैयार हो जाती है। तो जब तक यहाँ पर प्रेशर कुकर गर्म हो रहा है, मैं तब तक यहाँ पे कुछ मसाले तैयार कर लूँगी। तो लगभग मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच बड़े चम्मच से यहाँ पे दही लिया है, साथ में यहाँ पे मैं गरम मसाला ले लूँगी 1/2 छोटी चम्मच, साथ में यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ले लूँगी, ज़्यादा नहीं लेंगे, तीखे बच्चे नहीं खाते हैं। साथ में यहाँ पे जीरा पाउडर ले लूँगी 1/2 छोटी चम्मच, साथ में यहाँ पे मैं हल्दी ले लूँगी 1/2 छोटी चम्मच, हल्दी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, ज़्यादा पीलापन पसंद नहीं है। और साथ में यहाँ 1 चम्मच धनिया का पाउडर यहाँ पे ऐड कर लेंगे, और साथ में यहाँ पे 1 चम्मच नमक ऐड कर लेंगे। दोबारा मैं नमक ऐड नहीं करूँगी, इसे दही में डाल के मिक्स कर लूँगी। दही में अगर नमक डाल के मिक्स करते हैं ना दोस्तों, तो दही जब हम डालते हैं किसी सब्जी में तो दही फटती नहीं है, है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं कुकिंग ऑयल ले रही हूँ, सरसों का तेल नहीं ले रही हूँ, कुकिंग ऑयल ले रही हूँ। यहाँ पे डाल लेते हैं अच्छे से, और यहाँ पे देखिए प्रेशर कुकर भी अच्छे से गर्म हो गया। यहाँ पे मैंने एक लाल मिर्च, सूखा लाल मिर्च लिया, तेज़पत्ता लिया, जीरा लिया, साथ में दालचीनी, 2 लौंग, और यहाँ पे 1 इलायची ले लिया है। इलायची को खोल कर लीजिएगा, अच्छा स्वाद इसमें निखर करके आता है। तो चलिए इन सभी को पहले अच्छे से हम चटकने देते हैं। दूसरी तरफ मेरे पास काजू है, काजू भी डाल दीजिए, काजू बादाम जो भी है, किशमिश खाते हैं वो भी डाल सकते हैं। काजू को अच्छे से रोस्ट कर लेना है यहाँ पर। ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी हमारा रेसिपी बनकर तैयार होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे प्याज डालेंगे। प्याज को हल्का सा हम यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, नहीं तो ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। तो प्याज को अच्छा भूनना ज़रूरी है पहले। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों, इसमें सारी सब्जियां डली रहती हैं, बच्चे मन से खाते हैं। तो अलग अलग रेसिपी मैं डाल रही हूँ। अगर आपकी कोई डिमांडेड रेसिपी है टिफ़िन बॉक्स या लंच या ब्रेकफास्ट की, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी। और इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना दोस्तों, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैं आपके साथ और भी इस तरह की रेसिपी शेयर करूँ। तो देखिए सब्जियाँ भी डाल दिया है, और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सब्जियाँ भी हम फ्राई कर लेते हैं। और साथ में मैं एक घी डालना भूल गई थी, तो इसमें 1 चम्मच घी भर कर डालिएगा यहाँ पर, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, नहीं तो बटर भी डाल सकते हैं। साथ में जब सब्जी अच्छे से भून जाए, ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, बस 2 से 3 मिनट अच्छे से आपको यहाँ पर सब्जियाँ भून लेना है। उसके बाद पनीर डालेंगे, पनीर डालने के बाद इसे हल्के हाथों से चलेगा, नहीं तो पनीर पूरे टूट जाएंगे और बिखर जाएंगे, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर देखिए पेस्ट जो बना के रखा था दही का हमने और मसालों का, तो वो इसमें हम ऐड कर देते हैं। दही डालने का रीज़न यही है दोस्तों ने कि आपके चावल बहुत देर तक सॉफ्ट बने रहते हैं दही डालने से, और उसमें रिचनेस आती है आपके चावल में, तो ज़रूर डालिएगा। और टेस्ट भी बहुत ही निखर करके आता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। बस इतना ध्यान रखिएगा आप दही आपके खट्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो चावल खट्टे खट्टे लगेंगे। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था उसी में, और देखिए बस हल्के हाथों से हम, ये मैंने फास्ट रखा है दोस्तों, इसलिए आपको लग रहा है कि जल्दी जल्दी घुमा रहे हैं, लेकिन आपको बहुत हल्के हाथों से घुमाना है। साथ में मेरे पास यहाँ मटर है फ्रोज़न, वो भी मैं ऐड कर दूँगी। बस इसे मैं ढक देती हूँ जब तक इसमें से तेल नहीं छूट जाता है, तब तक मैं, ये चावल है, चावल का सारा पानी मैं यहाँ पर निकाल ले रही हूँ। इतने देर में ये हमारा मसाला भी भून जाता, देखिए लगभग हम यहाँ पे स्लो फ्लेम करके मैंने रख दिया था ताकि मसाले में अच्छे से तेल छोड़ दे और मसाले भी अच्छे से यहाँ पे पक जाए। और देखिए कितनी अच्छी तरह से तेल छोड़ दिया, हमारे मसाले भी अच्छे से यहाँ पे पक गए हैं, ये देखिए बिल्कुल इंस्टेंट बन रही है ना। अब यहाँ पे हम सारे चावल यहाँ पे ऐड कर देते हैं, पानी के साथ नहीं ऐड करेंगे दोस्तों,
देखिए पानी मैंने उसी में रहने दिया है, क्योंकि थोड़ा सा मैं चावल को भी भूनूंगी, लगभग 2 मिनट के लिए भूनूंगी, क्योंकि पुलाव में अगर चावल नहीं भुना जाए तो टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो चावल को ज़रूर यहाँ पर भूनिएगा, और देखिए बहुत ही हल्के हाथों से भूनिएगा, चावल भी टूटने का डर रहता है इसमें, तो हल्के हल्के हाथों से इसमें घुमाइएगा। तो 2 मिनट के लिए उसे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारा चावल भी यहाँ पर भून गया है। ज़्यादा घुमा घुमा के करने से ना चावल टूट जाते हैं और खिले खिले भी नहीं बनते हैं, जैसे लगेगा टूटा टूटा चावल यहाँ पे बना है। अब इसमें मैं पानी ऐड कर देती हूँ, पानी मैं डूबने भर ही पानी ऐड करती हूँ, क्योंकि यहाँ बासमती राइस है ना, तो ये डूबने भर में ही अच्छे से हो जाता है, नहीं तो आप अपने हिसाब से जिस हिसाब से आपके चावल में पानी डलता है बासमती राइस में, उस हिसाब से यहाँ पर पुलाव के हिसाब से, जैसे पुलाव बनाते हैं ना उस हिसाब से पानी डाल लें। बस डाल दिया, ये हमारा डन है, बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे प्रेशर कुकर का ढक्कन यहाँ पर लगा देती हूँ, और इसे मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे तरह से 1 सीटी आने तक यहाँ पे हम कुक कर लेंगे। मुझे लगा कि मैंने इसमें डाला है कि नहीं डाला है पानी, ठीक है कि नहीं, दोबारा मैं चेक कर रही थी। और इसे मीडियम फ्लेम रख दिया है। अब यहाँ पे देखिए टिफ़िन रेडी कर लेती हूँ, तब तक मैं एप्पल काट लेती हूँ, तब तक यह सीटी दे देगी, तो एक ना एक फ्रूट ज़रूर दें अपने टिफ़िन में। और ये देखिए मैंने एप्पल काटा तो इस तरह से लाल लाल क्यों, दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, ये एप्पल अंदर से भी लाल है और बाहर से भी लाल है, ऐसा क्यों है? मुझे ऐसा कभी कभी लगता नहीं कि कोई इंजेक्शन देके इसमें ऐसे लाल तो नहीं कर दिया, लेकिन ये खाने में बहुत ही मीठे एप्पल है, बिल्कुल भी खट्टा नहीं है, बिल्कुल अलग तरह का मैं पहली बार एप्पल देख रही हूँ, बहुत ही टेस्टी है एप्पल जब मैंने इसे खाया तो। देखिए एप्पल लग गया और 1 सीटी भी लग गई है। अब यहाँ पे मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी, और देखिए मेरे यहाँ पे बालकनी में कितनी अच्छी मिर्ची हुई है, बारिश का मौसम है, सुबह सुबह बारिश हो रही थी, और देखिए कितने सारे मिर्ची हैं, बहुत सारे मैंने तो तोड़ भी लिया है, और भी मिर्ची इसमें आएंगी। और देखिए सुबह सुबह बारिश हो रही थी, आजकल जब भी सुबह उठती हूँ ना तो बारिश रात में ही हुई रहती है, और बहुत अच्छा मौसम है। अभी 5:30 हो रहा है दोस्तों, 5:30, और देखिए तब तक हमारा ये हवा भी निकल गया है, और इसका हम निकाल लेते हैं। अभी बहुत ही गर्मा गर्म है, मैंने इसे लगभग 10 मिनट के लिए रेस्ट दिया था, जब सीटी आ गई नहीं दोस्तों तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था, और उसके ऊपर का सीटी मैंने निकाल दिया था, और 10 मिनट के बाद मैं इसे खोल रही हूँ। और देखिए कितना खिला खिला हमारे यहाँ पे चावल बनकर तैयार हो गया है। मैं टिफ़िन में फटाफट निकाल देती हूँ ताकि अच्छे से ठंडे हो जाएं। गर्मा गर्म पैक कभी नहीं कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो वो पानी छोड़ देती हैं, रिलीज़ कर देती हैं पानी, और वो फिर हमारा ख़राब हो जाता है जो भी खाना है। तो मैं पहले टिफ़िन में इस तरह से निकाल दे रही हूँ ताकि इसमें से जितने भी भाप है वो निकल जाए। और मैं चुन चुन कर, बेटी मेरी बोल रही है जितने पनीर और जितने काजू है सब इसमें डाल दो, यानी चावल और सब्जियाँ नहीं खाना, सिर्फ काजू और पनीर खाना। साथ में मैं यहाँ पे पेड़ा भी रख देती हूँ जो मैंने बनाया था दोस्तों, और इसकी रेसिपी मैंने शेयर की है, पेड़ा बहुत ही बच्चों को पसंद आई, तो एक दो नहीं खाना है, एक खाना है। तो देखिए मैंने इसे भी पैक कर दिया है, और ये देखिए मैं आपको दिखाने के लिए इसे लॉक की थी, लेकिन इसे ठंडा करके डालेंगे। तो रेडी है हमारा